गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज इस हम पढ़ेंगे विनकुलम। ये आपके कैलकुलेशन में बहुत काम की चीज़ है। जब आप कोई बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ काम आता है, ये कैलकुलेशन में काम आता है। और जो राजस्थान बोर्ड अजमेर है उसके 9th और 10th या जो वैदिक में है, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन हैं कि विनकुलम में बदलना, विनकुलम को जो है सिंपल नंबर में बदलना है ये। और इसी टेक्निक से हमने टेबल लिखी थी, ठीक है ना। तो पहले मैं विनकुलम को डिफाइन करते हैं, विनकुलम क्या है, और इससे फिर मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई डिवाइड है, कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, कोई ऐड सब्सट्रैक कर रहे हैं, तो वो कितना आसान हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। लेकिन शर्त एक है कि आपको विनकुलम में बदलना और विनकुलम को सिंपल नंबर में बदलना वो आना चाहिए ना, ठीक है ना। अगर वो आपको आ जाता है तो आपके ज़्यादा वो कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होती, छोटे छोटे नंबर ही रहा है। या सीधा मैं कहूँ कि मेरे पास अगर जो है 1, 2, 3, 4, 5, अगर इन्हीं डिजिट से या अंकों से मैं कोई एक नंबर लेता हूँ और वो आपको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या मान लो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए कहूँ, तो ये आसान है ये, क्योंकि डिजिट जितनी छोटी होगी कैलकुलेशन उतनी छोटी होगी। अगर इसकी जगह पर 6 आ जाए, 7, 8 और 9, अब ये क्या है, थोड़ी जो डिजिट हैं वो बड़ी हैं ये, तो इनकी कैलकुलेशन भी बड़ी होगी, उसमें ज़्यादा मतलब अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि गलती नहीं हो जाए, मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के नंबर को छोटे नंबर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप, जैसे इस टेक्निक से मैंने टेबल भी लिखी थी, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि पासवर्ड मैंने बताया था, वहाँ मैंने कहा था ये पासवर्ड है टेबल के लिए, ठीक है। तो वो पासवर्ड भी यहीं से आया है, वो पासवर्ड भी कहाँ से आया, वो यहीं से आया। आप यानी कि जो लार्जेस्ट डिजिट होती हैं उनको छोटा बना करके और आप क्या कर लेते हैं, वो टेबल लिखने में भी काम आ जाता है, ठीक है। चलो पहले विनकुलम को देखो, जैसे सपोज करो कैसे करते हैं, 6, 5 और ये आ गया जैसे मेरे पास 9, 8, 7, तो इसको विनकुलम में चेंज कैसे करना है ये है। अब इसमें देखो, ये डिजिट बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी है और ये भी है। चलो 5 तो मैंने कहा था वो ले लेते हैं, और ज़रूरी नहीं ये भी ले लेते हैं आप, इसको भी छोटा कर ले लो। तो आपने क्या करना है, आप यानी जब ये इधर से जो है आप यानी कि किस साइड से, राइट हैंड साइड यानी पीछे की साइड से शुरू करेंगे, और जब आपको लग रहा है कि ये डिजिट बड़ी है तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 में से माइनस करना है। और अगर आप ये काम लगातार देख रहे हैं कि उसके बाद भी बड़े वाला, तो 9 में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट जब आप करोगे 10 में से, और ये कंटिन्यू अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये लार्जेस्ट डिजिट है, उसके बाद भी आपको करना पड़ रहा है कि डिजिट को मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो आप 9 में से माइनस करेंगे। और जैसे ही स्टॉप करेंगे वहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखो, तो ये नंबर सबसे बड़ा है, सपोज करो जैसे यहाँ चलो 3 होता, अब 3 क्या ऑलरेडी 3 है, तो मैं मुझे इसको क्या लिखूँ, 3 को क्या लिखूँ, मैं 3 से छोटा और क्या लिखूँगा, तो मैं 3 को 3 लिख देता हूँ ये लो बस, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे इतना छोटा ही चाहिए रहा। अब लेकिन ये डिजिट क्या बड़ी आ गई, ये नहीं बड़ी आ गई ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा करूँगा, तो मैं इसको 10 में से माइनस करूँगा ये रहा। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3, और ये आ गया 12, क्योंकि अगर आप माइनस करके लिखेंगे तो उस पर बार लगाना है यार, उस पर क्या लगाना है, बार लगाना आपने, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है डिजिट, ये क्या है मेरे पास में 8, अब ये भी बड़ी है, इसको मैंने छोटा करना। अब देखो मैंने यहाँ क्या स्टार्ट कर दिया है, 10 में से किया, तो नेक्स्ट नंबर अब 9 में से आएगा। अब यहाँ पर अब इसको 9 में से माइनस करेंगे, तो 9 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, 1, और माइनस किया इसलिए मैं लगाऊंगा 12। अच्छा फिर अब ये भी बड़ा है, तो अब देखो स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू चल रहा है ना ये रहा, तो कंटिन्यू चल रहा है तो 9 से चलेगा, क्योंकि इसके बस जस्ट बाद फिर वो आ रहा है। तो यहाँ इसको मैं क्या करूँगा, फिर किस में से माइनस करूँगा, 9 में से, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और 0 पर कभी बार नहीं होता, या सीधा हम कहते हैं ना 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, समझ गए ना। अच्छा अब देखो यहाँ, अब सुन, अब यहाँ अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 इंक्रीज करूँगा, मैं एक बढ़ाऊँगा ये रहा, यानी मैं इसको 5 को क्या लिख दूँगा, 6 लिख दूँगा,
फाइव को क्या ले दूंगा सिक्स, और अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, चलो मैं फिर करना चाहता हूँ वापिस इसको वही, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि यहाँ से माइनस होना स्टार्ट हो गया था, तो ये भी नाइन में से माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरे पास में फोर, तो मैं लगाऊंगा फोर पर बार। अच्छा फिर ये बड़ा है, नाइन में से माइनस करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा थ्री बार। अब इसको नाइन में से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये तो सिक्स बड़ा हो जाएगा नहीं रहा, तो मैं यहाँ स्टॉप करूँगा था, तो अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे वन इंक्रीज कर दो, यानी थ्री को क्या लिख देंगे हम, लिख देंगे फोर। ये विनकुलम नंबर में चेंज हो गया ये नंबर, ये ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा समझने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन लेके बताऊँगा, एक मल्टीप्लाई भी लेंगे हम, ठीक है। चलो एक और देखो, जैसे आ गया मेरे पास में ये लो, क्या है बड़ा नंबर है, स्टार्ट करेंगे तब टेन से करेंगे, टेन से स्टार्ट करेंगे, यानी इसमें टेन में से माइनस करेंगे तो ये आ गया थ्री और ये आ गया बार। अब यहाँ क्या है छोटा, ऑलरेडी छोटा है, तो यहाँ तो मुझे बंद करना पड़ रहा है, ये काम लगातार नहीं हो रहा ना, यही बंद हो गया, ये तो जस्ट आगे यहीं आते वो बंद करना पड़ रहा है, तो बंद करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है मैं इसको क्या करूँगा वन इंक्रीज करूँगा, यानी ये थ्री है तो ये क्या हो जाएगा अब फोर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ करना है नहीं, हो बस वही करना है, जस्ट उसके बगल में ही करना है, उसके बाद आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑलरेडी छोटा है तो मैं छोटे को ऐसा कैसा ले दूंगा, बस इसको करने की जरूरत नहीं है। अब फिर देखो बस बड़ा नंबर आ गया, तो मैं इसको क्या करूँगा अब टेन में से माइनस करूँगा वापिस, क्योंकि ये नहीं है कि मैंने यहाँ टेन में से स्टार्ट कर दिया था यार, अब लाइन चलेगा ना कंटिन्यू, लगातार तो नहीं किया ना मैंने, कंटिन्यू तो नहीं किया ना, क्यों बीच में स्टेप आ गया, टूट गया मेरा यहाँ पर, ये रहा ब्रेक हो गया ना यार। अब यहाँ वापस मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, यहाँ से वापस करना पड़ रहा है, तो मैं टेन में से ही माइनस करूँगा इसको अब, तो मेरे पास क्या गया टू और माइनस किया इसे मैं लगाऊंगा बार, जो माइनस होंगे उन्हीं पर बार लगाया जाएगा यार। अच्छा अब ये क्या है नाइन में से माइनस करेंगे, अब देखो अब कंटिन्यू है, अब कंटिन्यू है ना, अब नाइन में से होगा ये, तो ये आ गया जीरो, जीरो पर मैंने बताया था कोई बार नहीं आता है, ठीक है ना, जीरो ना प्लस का ना माइनस का है। अब यहां स्टॉप करना पड़ रहा है, क्यों नाइन में से जय अगर मैं जीरो माइनस करूंगा तो नाइन आ गया तो बड़ा हो गया, फिर छोटा कहां से हुआ फिर तो मुझे तो छोटा करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा अब किस में से माइनस करूंगा, माइनस करूंगा नहीं, मैं यहाँ स्टॉप करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको नाइन में से माइनस करूंगा तो मेरे पास तो नाइन बार आ जाएगा, तो मैं तो छोटा बना रहा हूँ, ये तो बड़ा लिखा जा रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ फिर, तो ये मैं नहीं करके मैं यहाँ स्टॉप करूंगा, और मैंने कहा था जैसे ही आप स्टॉप कर रहे हैं उसमें वन इंक्रीज कर दो, तो जीरो में वन इंक्रीज करेंगे क्या बनेगा वन, ये हो गया जीरो का हो गया वन। अच्छा अब ये गया ऑलरेडी छोटा है देखो वैसे भी, और ना कि मैंने यहाँ यही पर ही वन इंक्रीज करना है, नेक्स्ट में नहीं करना है, तो ये मेरे पास थ्री है सॉरी टू है, तो मैं इस टू को टू लिख दूंगा, ये रहा एट फिर आ गया, ये रहा तो अब वापस इसको टेन में से ही करूँगा, क्योंकि मैं वापस ये स्टार्ट कर रहा हूँ एक ही नंबर में, तो ये आ गया टू बार, और यहाँ फिर मेरा स्टॉप कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको लिखूँगा फोर को लिखूँगा फाइव, ये विनकुलम में। अब इसमें देखो सारी जो डिजिट हैं वो फाइव या फाइव से स्मॉल हैं, देखो ये भी इस नंबर को विनकुलम में ये लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो और आगे लेंगे आपकी समस्या जो आएगी, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, तो मैं एक कैलकुलेशन लेता हूँ, जैसे मेरे पास में आ गया एट नाइन को मल्टीप्लाई करना है और थ्री तो गया ये ले लेते हैं, और नाइन एट से ही करना है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले विनकुलम में चेंज करता हूँ, विनकुलम में कैसे स्टार्ट करो वन बार और ये हो गया वन इंक्रीज, टेन में से माइनस करेंगे नाइन में से करेंगे, और ये यहाँ क्या है जीरो है तो उसको वन इंक्रीज करेंगे ना स्टॉप करेंगे, तो यही बात अब इसको करेंगे, तो ये टेन में से माइनस होगा टू बार,
किस में से? 9 में से होगा। 0 इसको करेंगे, देखो यहाँ 0 है, 1 इंक्रीज हो जाएगा। यार इस नंबर को 89 को विनकुलम में ऐसे लिखा जाता है और 98 को ऐसे लिखा जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करना, तो देखो कितना सिंपल है, आप देखो ये कि 102 बार। अब यहाँ समझने के लिए मानो कि ये जो बार है ना, ये माइनस ये रहा, ठीक है ना, ये माइनस का ही नंबर है। तो देखो माइनस टू को माइनस वन से करेंगे प्लस के टू, ये प्लस के टू और ये हो गए माइनस के टू, 0 0 0 यही है। अच्छा अब वन से करेंगे वन बार और ये हो गया 1, ऐसे ही करते हो, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 1 और ये 1। अब ये है विनकुलम नंबर है और इसको मैं चेंज कर देता हूँ किसके अंदर, सिंपल नंबर में चेंज कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा ये कि कैसे चेंज करते हैं। देखो जो ये नंबर है, ये तो 2 है, ये भी 2 है, 10 में से माइनस करो 7, कंटिन्यू चल रहा है, 9 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और ये स्टॉप किया तो मैंने यहाँ ये 0, ये आंसर हो गया। अब अपने तरीके से कर ले रहा 8 9 और 9 8 को मल्टीप्लाई, तो ये ध्यान है क्या उर्दू में तीर एक भ्याम है वैसे तो ये, ठीक है ना, वैदिक में या इसको खास करके बच्चे कहते क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो इसको इससे करेंगे 99 को करेंगे 72 और इधर भी क्या गया 72 हो गया। 8 को 8 से करेंगे 64 और 9 को 9 से करेंगे 81, दोनों को प्लस कर देंगे 5 और ये 4, ये लो। अच्छा अब 2 7 क्या होगी, कैरी इसमें प्लस कर दो, ये 12 5 1, तो ये आ गया 2 15 क्या होगी, कैरी होगी इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया 7 ये 8, देखो वही आएगा आंसर 8 8 7 7 2 2 2 2। अब इसमें देखें तो मल्टीप्लाई जो है ना, अरे नहीं मैंने सिंपल लिया है, पहले क्या है सिंपल लिया है मैंने, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना यार, भाई ये भी सिंपल था ऐसी कोई नहीं है, लेकिन मैं विनकुलम को काम में कैसे लेते हैं यार, जब लार्जेस्ट नंबर बड़े नंबर डिजिट हो जाती हैं तो उस समय आप ऐसे में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल नंबर लिया हमने ये, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसमें किया तो मुझे कुछ ज़्यादा वो बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, मैंने यहाँ 2 और 1 की टेबल ही बोली है मैंने एक तरह से। इसमें ज़रूर मैंने देखो फिर इनका मल्टीप्लाई किया था, मैंने साइड में लिखा भी था ये 64 81, इनको ऐड भी करना पड़ा मुझे, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा, इसमें कुछ नहीं किया मैंने बस 2 2 2 2, ठीक है। तो इस तरह से विनकुलम को काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी, और आप ट्राई करना, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स, यूट्यूब के कमेंट्स जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जा करके कमेंट्स करें, या आपका कोई क्वेश्चन है आपने किया है और वो आपको लग रहा है कि सही है नहीं है, तो उसका जो है फ़ोटो लेकर के और उसी यूट्यूब में आप कमेंट्स बॉक्स में भेज दो। ओके थैंक यू।